हो रहे क्रिकेट मैच की। जी हां, रायपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मुकाबला जारी है और खबर यह है कि भारत जीत के बेहद करीब। जी हां, और भारत ये मैच जीत चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, भारत ये मैच जीत चुका है और सीरीज पर कब्जा हो गया है भारत का। 20 रन से भारत ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। 174 रन भारतीय टीम ने बनाए थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया ऑस्ट्रेलिया ने और भारत ने 174 रन बनाए थे। 175 का टारगेट था लेकिन 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 154 रन ही बना सकी, 7 विकेट गंवाकर। अगर हम बल्लेबाजी की बात करें, अच्छी बल्लेबाजी रिंकू सिंह की तरफ से देखने को मिली। 29 बॉल में 46 रन बनाए थे उन्होंने, शानदार 4 चौके, शानदार 2 छक्के लगाए थे। वहीं जितेश शर्मा ने भी शानदार पारी खेली। 19 बॉल का सामना किया था, 35 रन बनाए थे जिसमें 3 शानदार छक्के थे। स्ट्राइक रेट 184 का रहा उनका। ऋतुराज गायकवाड़ 28 बॉल में 32 रन, यशस्वी जायसवाल 28 बॉल में 37 रन उन्होंने बनाए और इन्हीं बल्लेबाजों की स्कोर की वजह से 174 रन भारत का टोटल था, 175 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के सामने था लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम 154 रन ही बना पाई। गेंदबाजी की बात करें तो भारतीय गेंदबाजों में सबसे ज्यादा विकेट दीपक चहर ने लिए। 4 ओवर में 44 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए और किफायती गेंदबाजी की है अक्षर पटेल ने, रवि बिश्नोई ने, माफ कीजिएगा, अक्षर पटेल ने 3 विकेट लिए सबसे ज्यादा। जी हां, अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 3 विकेट यहां पर लिए। 4 ओवर में मात्र 16 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए अक्षर पटेल, शानदार गेंदबाजी। वहीं दीपक चहर ने 2 विकेट लिए, रवि बिश्नोई 1, अवेश खान ने 1 विकेट अपने नाम किया। और मैच पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। वैभव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। वैभव, शानदार जीत और इसी जीत के साथ यंगस्तान ने सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। जी बिल्कुल सुमित, देखिए सीरीज पर तो कब्जा कर ही है, कहीं ना कहीं आप देखें तो वर्ल्ड कप की जो हार थी 2023 की फाइनल की उस पर भी शायद थोड़ा सा मरम लगा होगा। हालांकि पिछले मैच में ही कोशिश थी पूरी, लेकिन जीत के बीच दीवार बनकर ग्लेन मैक्सवेल खड़े हो गए और गजब का शतक लगा दिया और एंड में 20 से ऊपर रन चाहिए थे आखिरी ओवर में प्रशित कृष्णा को लगाए और मैच जीता। लेकिन आज वैसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला, आज ग्लेन मैक्सवेल खेल भी नहीं रहे थे। खैर तो ये एक बड़ी जीत है और ये जीत कहीं ना कहीं काउंट होगी क्योंकि आप देखेंगे सारे के सारे ये यंग खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं है इनमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है। अगर हम बात करें यशस्वी जायसवाल की, ऋतुराज गायकवाड़ की, रिंकू सिंह, क्या कहने इस बल्लेबाज के, पूरी की पूरी सीरीज में इतना बेहतरीन प्रदर्शन कराया। आप देखें आज भी 46 रन सबसे ज्यादा रन इस बल्लेबाज ने बनाए हैं और इसके अलावा भी आप देखें पिछले मैच में भी 31 रनों की अद्भुत पारी खेली थी, 300 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। आज भी 150 से लेकर 200 के बीच में स्ट्राइक रेट रहा, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की और ये एक नई पीढ़ी की टीम है और इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धता है क्योंकि आप देखें बिल्कुल और यही वजह है वैभव की मैं यंगस्तान की जीत मानता हूं। ये हिंदुस्तान तो जीता ही है, यंगस्तान की जीत है। सीधे रायपुर लिए चलते हैं दर्शकों को, वहां पर युगल मौजूद हैं। युगल, क्या माहौल है इस जीत पर, क्या कह रहे हैं क्रिकेट फैंस, जरा बताइए। देखिए बिल्कुल जिस तरह से उम्मीद थी भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी, पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि देखिए किस तरह के बच्चे लोगों में उत्साह है और यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब एक एक करके जो स्टेडियम से निकल रहे हैं बताएंगे कौन अच्छा खेला, क्या उम्मीद थी कि जीत होगी। हाँ, मेरे को पूरा यकीन था इंडिया जीतेगी। जी, कौन अच्छा खेला?
सबसे अच्छा रिंकू सिंह खेला और बिश्नोई जी बताएंगे क्या लगता है कि आज जो रिंकू सिंह ने पारी खेली है बहुत जबरदस्त पारी थी और बॉलिंग में रवि बिश्नोई की जो बॉलिंग थी बहुत बहुत अच्छा लगा उसको देख के। बहुत यादगार मैच कहा जा सकता है रायपुर के लिए। रायपुर के लिए बहुत सही और सीरीज जीता हमने, ऑस्ट्रेलिया पे हमने बदला लिया वर्ल्ड कप के तरह से और ये रायपुर में ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बधाई आप सबको। क्या कहेंगे आप? रायपुर का हर मैच इंडिया जीतेगी और बहुत अच्छा इंडिया खेली। इंडिया इंडिया, इंडिया, इंडिया। बिल्कुल देखे और भी बहुत सारे जो फैंस हैं सभी आ रहे हैं निकल रहे हैं तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब मैच समाप्त हो चुका है।